मैं मथुरा से हूँ, तो मैं स्टार्टिंग ब्रज भाषा में ही करता हूँ। तो कुछ लिखा था कि जीवन में मृत्यु ते ज़्यादा अब दुख काय को बढ़ो है, जीवन में मृत्यु ते ज़्यादा अब दुख काय को बढ़ो है, ब्रज में ऐसे ही ना कोई काना की शरण लिए पड़ो है। कि जीवन में मृत्यु ते ज़्यादा अब दुख काय को बढ़ो है, ब्रज में ऐसे ही ना हर कोई काना की शरण लिए पड़ो है। और चिंता मत करियो तू काऊ बात की, चिंता मत करियो तू काऊ बात की, कोई का बिगाड़ लेगो तेरो जब खुद बंसी वारो तेरे संग खड़ो है। और एक ये है कि हम मथुरा वृंदावन ते आए हैं, कछु सुन लो बात हमारी, हम मथुरा वृंदावन ते आए हैं, कछु सुन लो बात हमारी, सब दर्शन करवे आ जइयो माँ बिराज रे कृष्ण मुरारी। और नंद जैसे तो सबको पिता मिले, नंद जैसे तो सबको पिता मिले, और यशोदा सी तो देखी है मैंने मेरी माँ दुलारी, नंद जैसे तो सबको पिता मिले, और यशोदा सी तो देखी है मैंने मेरी माँ दुलारी। और यूं तो काना ते हर चीज़ में दुनिया हारी, यूं तो काना ते हर चीज़ में दुनिया हारी, पर जब बलदाऊ सो भाई हो संग में पड़ जाए सब पे भारी, पड़ जाए सब पे भारी। और प्रेम की मूरत ऐसे ही ना बन गए, प्रेम की मूरत ऐसे ही ना बन गए राधिका और गिरधारी, प्रेम की मूरत ऐसे ही ना बन गए राधिका और गिरधारी। जब जब बंसी दर की बाजी बंसी, जब जब बंसी दर की बाजी बंसी, मुस्काय रही राधा प्यारी, मुस्काय रही राधा प्यारी। वैसे तो खूब दोस्त बनेंगे बिछड़ेंगे जा जिंदगी में, पर जब कबू तुम निभाओ दोस्ती, बस याद कर लियो सुदामा कृष्ण की यारी, बस याद कर लियो सुदामा कृष्ण की यारी। अब थोड़ा इश्क मोहब्बत पर आते हैं कि सुनो तुम ही अकेले नहीं हो, सुनो तुम ही अकेले नहीं हो, मैंने भी पहली मोहब्बत में हार कर बैठ गया था, सुनो तुम ही अकेले नहीं हो, मैं भी पहली मोहब्बत में हार कर बैठ गया था, मैंने भी कोई इश्क हज़ार बार नहीं किया, मैंने भी इश्क कोई हज़ार बार नहीं किया, और कल भी एक शख्स ने मिलने बुलाया था मुझे, और कल भी एक शख्स ने मिलने बुलाया था मुझे, मैं गया ज़रूर उस जगह, मैं गया ज़रूर उस जगह, वो दिखा नहीं मैं वापस आ गया ना, मैंने इंतज़ार नहीं किया। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल है, पांच शेर हैं, पेश करता हूँ कि हम तो चोर उचक्के हैं, हम तो चोर उचक्के हैं, चार दीवारी में आवाज़ क्यों करें, एक तो वो मर मर के जी रहा है, छोड़ो उसे जिंदा लाश क्यों करें, और उसका यूं हाथ पर हाथ रखे बैठना, उसका यूं हाथ पर हाथ रखे बैठना ठीक भी तो नहीं, वो तो ज़रा भी नहीं खोजता, छोड़ो हम उसकी तलाश क्यों करें, उसका यूं हाथ पे हाथ रखे बैठना ठीक भी तो नहीं, वो तो ज़रा भी नहीं खोजता, फिर हम ही तलाश क्यों करें। और वो मुस्कुराता चेहरा एक पहर पहले उठास बैठा था मगर, वो मुस्कुराता चेहरा एक पहर पहले उदास बैठा था मगर, अब उसके गम की बजा पूछकर फिर से उदास क्यों करें। बहुत शुक्रिया। अब उसके गम की बजा पूछकर फिर से उदास क्यों करें, हाँ मानता हूँ हुई गलती, हाँ मानता हूँ हुई गलती अनजाने में, मगर अब किसी और अनजान से ना कहें, हाँ मानता हूँ हुई गलती अनजाने में, मगर अब किसी और अनजान से ना कहें, जमी की बात है जमी पर रहने दें, ऐसे आकाश क्यों करें। और ये थोड़ा फनी सा है कि कुछ गलियां अंधेरे में हैं, कुछ गलियां अंधेरे में हैं, हम प्रकाश क्यों करें, कुछ गलियों पे पानी का ठहराव है हम निकास क्यों करें, कुछ गलियां अंधेरे में हैं हम निकास क्यों करें, कुछ रास्तों पे पानी का ठहराव है हम निकास क्यों करें। मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे प्रिय देशवासियों, हमें भी तो अपनी जेबें भरनी है, हम विकास क्यों करें। बहुत शुक्रिया। और ये
अपनी आर्मी के लिए, इसके लिए मैं पहले चाहूँगा आप ताली बजाना इंडियन आर्मी के लिए, कि जो वतन की खातिर दुश्मनों से लोहा लिया करते हैं, जो अक्सर वतन के खातिर दुश्मनों से लोहा लिया करते हैं, ये फौजी हैं जनाब जो खुद की परवाह किए बिना देश की रक्षा किया करते हैं। और मैं घर वापस जल्दी आऊँगा, मैं घर वापस जल्दी आऊँगा, ये वादा तो कर दिया करते हैं, मैं घर वापस जल्दी आऊँगा ये वादा तो कर दिया करते हैं, मगर इन्हें खुद पता नहीं होता कि ये घर वापस जिंदा लौटेंगे या तिरंगे में लिपट कर, मगर इन्हें खुद पता नहीं होता कि मैं सही सलामत लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर, ये देश के लाल बेखौफ होकर, ये देश के लाल बेखौफ होकर जान हथेली पर रखते हैं और चल दिया करते हैं। और कुछ आखिरी शेर पेश करूंगा फिर मैं अपनी जगह लूंगा, और ये थोड़ा सा कि ये बेस्ट, ये मतलब जिनकी बेस्ट फ्रेंड फीमेल बेस्ट फ्रेंड होगी वो कनेक्ट कर पाएंगे, कि क्या बताऊं मियां, क्या बताऊं मियां कितना सताती है वो लड़की मुझे, क्या बताऊं मियां कितना सताती है वो लड़की मुझे, मैं गुस्से में भी उसे कुछ नहीं कहता, मैं गुस्से में भी उसे कुछ नहीं कहता, मगर उसका जब जो मन करता है वही बुलाती है वो लड़की मुझे, उसकी हरकतों से तो मेरे यार उसे अपनी भाभी समझते हैं, उसकी हरकतों से तो मेरे यार उसे अपनी भाभी समझते हैं, मगर उससे कोई पूछ ले तो सिर्फ एक अच्छा दोस्त बताती है वो लड़की मुझे। बहुत शुक्रिया। और ये दो लाइन है कि चलो आज फिर से खुलकर मुस्कुराया जाए, चलो आज फिर से खुलकर मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ लोगों को फिर से जलाया जाए। बहुत शुक्रिया।